आज नीमच में 23 वर्षीय मुमुक्षु नमन मेहता के दीक्षार्थ प्रसंग पर विशाल और भव्य दीक्षार्थी वर्ग घोड़ा निकाला गया। बताते चलें कि रतलाम के रहने वाले मुमुक्षु मेहता कल सुबह नीमच के राठौर परिसर में साधु मार्गी जैन संघ के आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में और आचार्य रामेश जी के मुखारविंद से दीक्षा ग्रहण करेंगे। माना जाता है कि जैन धर्म में वैराग्य की एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति का सांसारिक मोह माया से मन उठ जाता है। दीक्षा जैन धर्म में जीवन क्रांति का एक रूप है, असत्य से सत्य की यात्रा है। दीक्षार्थी वर्ग घोड़ा में मुमुक्षु नमन मेहता बग्गी में सवार रहे। मुमुक्षु नमन मेहता का शहर के मुख्य मार्गों पर आत्मीय अभिनंदन किया गया। ये दीक्षार्थी वर्ग घोड़ा भाग्येश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों पर निकला, जिसमें साधु मार्गी जैन संघ के महिला पुरुष समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिक्षा का पता सिधारा है, विरले ही चल पाते हैं, जो चलते हैं वे आत्मदेव के दर्शन कर पाते हैं। दीक्षा जैन धर्म में जीवन क्रांति का रूप है, यह जीवन से पलायन नहीं अपितु जीवन और मृत्यु से मुक्ति का उपाय है। दीक्षा असत्य से सत्य की यात्रा है, राग से वितराग की महायात्रा है। ऐसे ही आचार्य युग निर्माता ज्ञान और क्रिया के बेजोड़ संगम आचार्य श्री रामलाल जी महाराज और बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान श्रद्धे श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के पावन सानिध्य में कल हमारे मुमुक्षु भाई 23 साल विजय जी सुनीता जी मेहता रतलाम की जैन भागवती दीक्षा संन्यास जीवन पूरा जीवन उनके पावन चरणों में समर्पित करेंगे। आज भव्य बरगोड़ा जन जन स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। ये जैन धर्म के अंदर एक वैराग्य अवस्था होती है, जिसमें आदमी का मन इस संसार के सभी विषयों से मन उठ जाता है। कोई संसार में रहने की उपार्जन करने की परिवार से सारा मोह समाप्त हो जाता है और वो आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने का निश्चय कर लेता है, उसे वैराग्य अवस्था कहते हैं। और जिस आचार्य परंपरा में दीक्षित होना होता है उन आचार्य जी की जब अनुमति होती है तो ये दीक्षा की डेट घोषित होती है और दीक्षा लेते हैं। फिर आत्मय जो दीक्षार्थी होता है उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और अपनी आत्मा को सिद्ध गति में, जिसको अपन मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर करने का सबसे कठिन मार्ग भी यही है और सुगम मार्ग भी यही है। और ये केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। देवता को भी अगर मोक्ष में जाना है तो उनको मनुष्य गति से ही जाना पड़ेगा। सर आज कौन दीक्षा का किनके लिए कार्यक्रम है, किनके मार्गदर्शन में ये हो रहा है? ये हमारे श्री अखिल साधु मार्गी जैन संघ के जो आचार्य भगवान है आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब, और सौभाग्य से उनका चातुर्मास इस वर्ष इस नीमच की धरा को मिला है। 22 वर्ष से नीमच के लोग उनके चातुर्मास के लिए लगातार विनती कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो इस बार सौभाग्य से ये चातुर्मास इस नीमच को मिला है पुण्य धरा को। और डबल सौभाग्य इसलिए एक सवा चातुर्मास मिला है, 2 सावन होने के कारण इस वर्ष 5 वर्ष का चातुर्मास मिला है और ये इस चातुर्मास की पहली दीक्षा का सौभाग्य भी इस नीमच संघ को प्राप्त हुआ है। और कल ये रतलाम का मुमुक्षु भाई नमन मेहता इस संसार को छोड़ के और संयम मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जय जिने जय गुरु राम। यह वरगोड़ा रतलाम से मुमुक्षु नमन भाई मेहता के दीक्षार्थ प्रसंग पर निकाला जा रहा है। कल सुबह नमन भाई दीक्षा लेंगे आचार्य रामेश के मुखारविंद से राठौड़ परिसर नीमच। और 1 साल पहले हमारे रतलाम में चातुर्मास हुआ था सुमित मुनि महाराज साहब का, जो नीमच में विराजित थे, उनने सूरत में दीक्षा ली थी हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने 1.5 साल की बच्ची को त्याग देके। और राठौड़ परिसर स्थित कल सुबह इनकी 9 बजे करीबन दीक्षा होगी। ये वरघोड़ा कहाँ से निकल रहा है अभी? ये भागेश्वर रोड से, भागेश्वर धर्मशाला के पास से, भोजनशाला के वहाँ से निकल रहा है नीमच में बाजार में घूम के। दीक्षार्थी का नाम नमन भाई मेहता है। नमन मेहता कितने वर्षीय है? ये 23 वर्षीय है और अचानक इनको 1 साल के अंदर वैराग्य जागा। पिछले साल हमारे रतलाम में सुमित मुनि महाराज साहब का चातुर्मास था, उसमें इनने दीक्षा का प्रण ले लिया था कि मैं दीक्षा लूँगा और 1 साल के अंदर ये संत बनने जा रहे हैं और कल सुबह दीक्षार्थी संत बन जाएंगे। नमन जी कहाँ के रहने वाले? रतलाम के रहने वाले। ये दीक्षार्थी घोड़ा चलाएगा? दीक्षार्थी वर घोड़ा मुमुक्षु।
और चार बसें आई संसार का सत्य त्याग कर देंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।